हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है ये 12th बोर्ड में नहीं था, पहले हुआ करता था। अब ये कम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता ही आता है, उसमें से क्योंकि कोई रिडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस का, तो हम समझना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिकलिटी से जोड़ते हैं। देखो, हम हर कोई आजकल मोबाइल यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहा है, उसमें लगे होते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स। तो हम कभी कुछ बटन दबाते हैं, कोई ओके यस नो करते हैं, तो कुछ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो पाते हैं ना, वो लॉजिक गेट के दम पे ही हो पाते हैं। लॉजिक गेट मतलब एक ऐसा गेट जो किसी लॉजिक से खुलेगा। एक तरीके से समझ लो कि कोई गेट है, कोई बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, आपको जाके कुछ ऐसा बोलना है जो वो समझे और वो खोले, कुछ लॉजिक लगा है, वही ये लॉजिक गेट है। तो कई बार गेट खुला है तो बंद कराना है, और खुले मतलब बंद है तो खुलाना है, ऐसा कोई सिस्टम होता है। कई बार होता है कि नहीं भी खुलेगा, वो सारी चीजें। ये आवाज आएगी थोड़ी बाइक्स की, थोड़ा देख लेना। तो लॉजिक गेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो वैसे तो बेसिक गेट होते हैं, उसके अलावा यूनिवर्सल गेट होते हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कुछ गेट्स होंगे, और इनके मैं अलग अलग एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा। इनको बिल्कुल डीपली हमें समझना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको कुछ इनपुट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट बताओ, अगर गेट इसमें से कोई है तो। कई बार ऐसा होगा कि आपको इनपुट आउटपुट दे रखा है और पूछा जाएगा बताओ कौन सा गेट होगा जिससे ऐसा इनपुट आउटपुट आपको मिल पाएगा। कुछ मिसिंग दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं इन बेसिक गेट्स के, जो नाम होते हैं आपने शायद सुने हो, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ऐसा कुछ आपने सुना हो, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये एक्स और, इसको ऐसे लिखा जाता है, लिखा तो मैंने ई एक्स था लेकिन बोला जाता है, अभी भी ई हटा दिया तब भी एक्स और, एक्स नॉर, जैसे तो मैंने क्या लगा रखा हो यहाँ पे ई, लेकिन ये ई यहाँ पे नहीं होता। तो ऐसा कुछ है, ज्यादा टेंशन में नहीं आ रहा, बस बेसिक बता रहा हूँ। ये जो भी गेट होते हैं ये तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब इनको कुछ एक चीज पता हो। कोई भी मशीन को कोडिंग की जाएगी, कोई भी मशीन किसी चीज पर काम करती है, किसी कंसेप्ट पर काम करती है, वो कंसेप्ट होता है ट्रुथ टेबल, एक ऐसी टेबल जिसको ये सच मानते हैं। एक और चीज समझना कि यहां पर जो हम लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम डिजिटल सर्किट की। जो भी चीज हम काउंट कर रहे हैं ये डिजिटल सिस्टम के लिए कर रहे हैं। डिजिटल सर्किट एक ऐसा सर्किट, आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि डिजिटल युग है ये, या तो कोई चीज आपको आती है या नहीं आती। वो ऐसा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि डिजिटल सर्किट में या तो होता है वन या होता है जीरो, शायद की कोई जगह नहीं है यहां पर, या तो वन है या जीरो है। मतलब अगर स्विच ऑन है तो वो वन है, स्विच ऑफ है तो वो जीरो है, या तो सिग्नल आया है या सिग्नल नहीं आया है। ऐसा समझो कि आपको किसी को कम्युनिकेट करना है ना, बहुत दूर कोई है, आपके पास लेजर लाइट है, आपने बोल रखा है कि अगर मैं लेजर लाइट को 1 2 3 तीन बार ऐसे करूंगा तो मतलब यस, और दो बार करूंगा तो नो, वैसा कोई सिस्टम है, वैसे कोई डिजिटल सर्किट काम करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना डिजिटल सर्किट पे काम करती है, इनके जो सिग्नल होते हैं ना उनको ऐसा कुछ होते हैं, इस तरीके से सिग्नल चलते हैं, 1 0 1 0 की फॉर्मेट में चलते हैं, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है। एक बार आईआईटी की किसी बुक में रेक्टेंगुलर सिग्नल भी इनको बोल रखा था। नॉर्मल जो एनालॉग सिग्नल होता है उनको साइनोसोइडल सिग्नल बोलते हैं, जो साइन वेव या कॉस वेव की फॉर्म में चल सकते हैं, इसको रेक्टेंगुलर सिग्नल, ये साइन और कॉस, इनको साइनोसोइडल बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। यहां जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल सिग्नल, उसमें 1 0 1 0 दिखेंगे। मतलब ऐसा समझो कि अगर हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में अगर हम टाइप करते हैं कुछ भी, मेरा नाम अगर मैं टाइप करूं, इस चैनल का नाम टाइप करूं, तो वो जो समझेगा कंप्यूटर मोबाइल जो भी है वो 1 0 1 1 0 ऐसे कुछ फॉर्मेट में समझेगा, इसी को क्या कहते हैं हम, डिजिटल कहते हैं। तो यहां पर जो टेबल होगी ना उसमें भी आपको कुछ 1 0 1 0 का फॉर्मेट ही दिखेगा। ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनमें जनरली दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। जितने भी लॉजिक सर्किट होंगे उनमें दो इनपुट, टू इनपुट और वन आउटपुट होगा, वन आउटपुट। कोई कोई सर्किट ऐसा होगा जिसमें एक ही इनपुट हो लेकिन आउटपुट तो एक ही होगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर आउटपुट भी एक से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि आउटपुट क्या लूं, एक से ज्यादा तो आउटपुट है, तो आउटपुट हमेशा वन होगा, इनपुट दो या एक भी हो सकता है और दो से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में या तो दो इनपुट होंगे या एक इनपुट होगा, दो से ज्यादा वाला नहीं होगा। तो दो इनपुट एक आउटपुट। तो यहाँ पे टेबल में आपको थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ, कुछ ऐसी सी टेबल होती है, ये है दो इनपुट ए और बी, दो इनपुट है
और एक ये आउटपुट है, आउटपुट को वाई से बताते हैं। तो ऐसा कुछ होता है 0101 0011, ऐसा कुछ रिजल्ट आते हैं इसके, डिपेंड करता है कि गेट कौन सा है। उसके अलावा यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन चलता है कि ये टेबल भी तो किसी ना किसी चीज पे बनी होगी। तो लॉजिक गेट की मैथ्स एक अलग ही मैथ्स होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि रियल लाइफ में 1+1 कितना होगा, रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं 1+1 आप बोलोगे 2, 1+0 क्या बोलोगे आप, 1+0 बोलोगे 1, 0+1 बोलोगे 1, 0+0 भी क्या बोलोगे 0, 0.0 मतलब मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0 ही बोलोगे। लेकिन जो बुलियन एक्सप्रेशन है यानी कि जो लॉजिक गेट वाली मैथ से, इसको नहीं मानती हूं, ये उसके लिए बेकार है। 2 कुछ होता ही नहीं है, या तो 1 होता है या 0 होता है। अब मैं इसको लॉजिक गेट के थ्रू समझाता हूं। अगर जैसे मान लो कि दो इनपुट आए, दोनों ही हाई आए, 1 मतलब हाई इनपुट, सिग्नल ऑन है, हाई इनपुट, दोनों इनपुट हाई आए तो आउटपुट भी क्या आएगा, हाई ही आएगा। 2 का क्या मतलब होता है, अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट हाई है एक लो है तो हाई मिल गया। और आप बोलोगे कि यहां तो लो मिल गया, एक हाई एक लो है तो लो, एक हाई एक लो है तो हाई, ये कैसे हो रहा है। फिर आपकी नजर जाएगी कि अच्छा यहां पर है प्लस और यहां पर है डॉट, तो प्लस होने से तो 1 मिल गया 1 0 में, और डॉट होने से 1 0 का 0 मिल गया, ये क्या लॉजिक है। तो वो लॉजिक यहां से हमें समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आप समझ लो, जो मैं वहां बता भी दूंगा कि यहां प्लस का मतलब होता है और, वो हिंदी वाला ही या। कई बार आप एग्जामिनेशन में जाते हो, वहां पे लिखा होता है कि क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना है, और कोई एक कर लो, कोई एक कर लिया सही कर लिया नंबर मिल जाएंगे, 1 और सेकंड में से कोई एक कर लिया नंबर मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड वाला कर दिया नंबर मिल जाएंगे। जबकि डॉट का मतलब होता है एंड, मतलब दोनों ही करने, मतलब सारे ही क्वेश्चन करने कंपलसरी और सही करने। देखा कि यहां तो कोई भी सही नहीं किया तो 0, इसमें भी 0 और इसमें भी कोई भी सही नहीं किया तो 0, जबकि यहां देखो दोनों में से एक किया लेकिन दोनों करने कंपलसरी थे डॉट वाले में, तो क्या आंसर मिला आपको 0। यहां ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इंडिविजुअल बताऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं इंडिविजुअल वीडियो लेके आने वाला हूं अलग अलग गेट्स के, तो आते जाएंगे, मैं एक वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।